हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। इसमें जो है टोटल हम 5 पॉइंट ले रहे हैं। पार्ट 2 वीडियो में हम बचे हुए 5 पॉइंट लेंगे। यहाँ पर हम प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों का अध्ययन करेंगे, जीन रूप तथा दृश्य रूप का अध्ययन करेंगे, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी क्या होते हैं उनका अध्ययन करेंगे, एक संकर संकरण का अध्ययन करेंगे और द्विसंकर संकरण का अध्ययन हम करेंगे। तो इतने सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। इनको इंग्लिश में डोमिनेंट और रिसेसिव करैक्टर्स बोलते हैं। आइए विशेषता देख लेते हैं। जब दो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है तथा दूसरा लक्षण छिपा रह जाता है। जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट करैक्टर कहलाता है, जबकि जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वह अप्रभावी लक्षण यानी रिसेसिव करैक्टर कहलाता है। आइए इसको एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने दो प्लांट्स लिए हैं, एक डवार्फ प्लांट है और एक लॉन्ग प्लांट है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डवार्फ प्लांट है ये अप्रभावी लक्षण है और जो लंबाई वाला प्लांट है ये वाला, ये एक प्रभावी लक्षण है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं एग्जाम्पल को। जब एक शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने मटर के बीच संकरण कराया जाता है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये बौना है और ये लंबा है। जब इन दोनों पौधों के बीच में संकरण कराएंगे तो F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्रकट होते हैं। तो इन दोनों के जनन के फलस्वरूप यानी संकरण के फलस्वरूप जो नया प्लांट प्राप्त होगा उसमें हमको केवल लंबे पौधे यानी ऐसे पौधे ही प्राप्त होंगे। इस प्रकार पौधे का लंबा होना एक प्रभावी लक्षण है जबकि बौना होना एक अप्रभावी लक्षण है। क्यों? क्योंकि जो नया प्लांट हमको प्राप्त हुआ वो लंबा था, उसने इस बौनेपन के करैक्टर को दबा दिया। तो जो करैक्टर अगली पीढ़ी में प्रकट हुआ वो कहलाया प्रभावी लक्षण और जो छिप गया यानी बौनापन का लक्षण वो कहलाया अप्रभावी लक्षण। आइए अगला देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है जीन रूप तथा दृश्य रूप यानी जीनोटाइप और फीनोटाइप। इसको देख लेते हैं। किसी जीव के बाह्य लक्षण को जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं दृश्य रूप यानी फीनोटाइप कहलाते हैं, जैसे लंबापन या फिर बौनापन। राइट हैंड साइड में आप एग्जांपल देख लीजिएगा, आप इसको अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं और इस वाले प्लांट से कंपेयर कर सकते हैं कि ये लंबा है और ये बौना है। तो ये जो दिखाई देने वाले लक्षण हैं वो कहलाते हैं दृश्य रूप यानी फीनोटाइप तथा जीव के इस लक्षण यानी दृश्य रूप की जीनी संरचना को जीन रूप यानी जीनोटाइप कहते हैं। जीन रूप को हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहीं आ जाते हैं, ये जो लंबापन है इसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी होगा और इस बौने पौधे का स्मॉल टी होगा। यहाँ पर देखिए लिख दिया है जीनोटाइप और ये फीनोटाइप। एग्जाम्पल हमने यह लिया, जैसे कैपिटल टी जो है वो लंबेपन का जीनोटाइप है तथा स्मॉल टी बौनेपन का जीनोटाइप है। जीन रूप तथा दृश्य रूप शब्दों का प्रयोग जोहानसन द्वारा 1911 में किया गया। ये कंपटीशन लेवल का पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द का प्रयोग किसने तथा कब किया। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 3 जो कि है संकर यानी हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। जब तुलनात्मक रूप से विपरीत लक्षणों वाले नर और मादा जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो उनके उत्पन्न होने वाली संतानों को संकर कहते हैं तथा इस क्रिया को संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे जब एक शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, एक ये लंबा प्लांट है जिसको हम टाल प्लांट कह रहे हैं और एक ये छोटा प्लांट है जिसको हम डवार्फ प्लांट कह रहे हैं। जब दोनों के बीच में जनन कराते हैं तो एक नई तरीके का प्लांट प्राप्त होता है जिसको हम संकर प्लांट कहते हैं। ये जो संकर प्लांट है
इसमें इसके भी करैक्टर होते हैं यानी टाल प्लांट के और ड्वार्फ प्लांट के, लेकिन ये न तो बिल्कुल ड्वार्फ प्लांट की तरह ही होता है और ना ही बिल्कुल टाल प्लांट की तरह ही। लेकिन अगर इसकी निकटता देखेंगे तो टाल प्लांट से ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि टाल प्लांट का जो डोमिनेंट करैक्टर था, जो हमारा पहला बिंदु था, इस जो हमारा पहला पॉइंट था प्रभावी लक्षण, वो वाले लक्षण इस पौधे में यानी संकर पौधे में चले जाते हैं, इसीलिए ये लंबा ज़्यादा रहता है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4, एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो परस्पर विपरीत लक्षण वाले नर और मादा के मध्य केवल एक जोड़ी विपरीत लक्षण हो, या ध्यान दीजिएगा केवल एक जोड़ी यानी सिंगल पेयर, लेकिन वो होने कैसे चाहिए लक्षण, विपरीत यानी लंबापन, लंबा का उल्टा क्या है, बौनापन, तो विपरीत हो गया, और एक जोड़ी भी हो गया। एक जोड़ी में दो करैक्टर होते हैं, लंबापन और बौनापन, तो विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है, तो इस प्रकार के संकरण को एक संकर संकरण कहते हैं। मेंडल ने अपने एक संकर संकरण प्रयोग में शुद्ध लंबे पौधों का संकरण शुद्ध बौने पौधों के साथ कराया, तब एब्बन पीढ़ी में उनको सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा ये जो लंबे हैं वो संकर लंबे हैं। राइट हैंड साइड पर दिए गए डायग्राम से समझिएगा, एक हमने ये मटर का टाल प्लांट लिया, लंबा प्लांट लिया, और एक डवार्फ यानी स्मॉल प्लांट लिया। इनको इनका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। सबसे पहले इनके गैमिट्स बनेंगे, युग्मक बनेंगे, और इन युग्मकों के फलस्वरूप नई वेराइटी बन जाएगी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली। यहाँ पर आप देखिएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली, जो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, संकर। अब क्या करते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट बने जिसको हम F1 जनरेशन प्लांट कह रहे हैं, उन प्लांट्स का हमने स्व परागण कराया और उनसे हमने F2 पीढ़ी में फिर से पौधे लिए, और हमने ये देखा कि किस तरीके से हमको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो आइए अब देखते हैं। अब मेंडल ने F1 पीढ़ी में प्राप्त लंबे यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर हमने इनको कहा संकर पौधे, तो लंबे पौधों में स्व परागण यानी सेल्फ पोलिनेशन द्वारा संकरण कराया, तब दूसरी पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में फीनोटाइप अनुपात 3:1 के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात 3 लंबे पौधे तथा 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। आइए डायग्राम में देखते हैं हम, यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे तो 1, 2, 3 पौधे जो है आपको लंबे मिलेंगे और एक पौधा स्मॉल मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ फीनोटाइप का अनुपात बताया है जो आँखों से दिखाई देता है, यदि आप जीनोटाइप का अनुपात देखेंगे तो यहाँ पर वो अलग होगा, वो 1:2:1 होगा। यहाँ पर देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर दोनों स्मॉल टी, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों में डिफरेंट है। आगे देखते हैं हम, जबकि जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 के रूप में प्राप्त हुआ, अर्थात एक पौधा शुद्ध लंबा, दो पौधे संकर लंबे तथा एक पौधा शुद्ध बौना प्राप्त हुआ। मेंडल का प्रभाविता का नियम जो उसका फर्स्ट लॉ है, और पृथक्करण का नियम जो उसका सेकेंड लॉ है, जिसको कि हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मेंडल के कौन कौन से नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित। अगला बिंदु देख लेते हैं जो कि है द्वि संकर संकरण, इंग्लिश में इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इस प्रकार के संकरण में मेंडल ने एक समय में दो जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक साथ दो जोड़ी करैक्टर लिए गए हैं। इस प्रकार के संकरण में जीवों के दो जोड़ी और परस्पर विपरीत लक्षण भाग लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीले व गोल बीज वाले पौधे जिनको कि हम जीनोटाइप देखते हैं तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, और हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधे स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये इनकी जीनोटाइप स्ट्रक्चर। आइए डायग्राम से समझते हैं। एक पौधा हमने ऐसा लिया जिस पर पीले और गोल बीज लगते हैं, तो ये पीला हमने दिखाया बीज उस पौधे का और गोल भी दिखाया, इसको हम किससे जीनोटाइप से प्रदर्शित कर रहे हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। इसी तरीके से दूसरा प्लांट लिया जिसमें हमने इसको हमने स्मॉल वाई और स्मॉल आर से प्रदर्शित किया।
अब जब इस तरीके से दो ऐसे पौधों को लिया जो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों में एक दूसरे से विपरीत हैं, तब उनके बीच में जब हम संकरण कराएंगे, निषेचन कराएंगे, तो हमको फर्स्ट पीढ़ी में मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार प्रभावी पौधे प्राप्त होंगे। और प्रभावी पौधों में येलो और राउंड बीज वाले पौधे हमको मिलते हैं। तो ये जो द्विसंकरण संकरण है, इसके बेस पर मेंडल का दूसरा नियम बना, जिसको कि हमने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा। जब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त इन संकर पौधों का आपस में स्वपरागण कराया गया, तो दूसरी पीढ़ी में पैतृक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ नए लक्षण भी प्राप्त होते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पृथक लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज के टॉपिक के सारे पॉइंट्स कवर हो गए। आशा करता हूँ आप इन सबको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनका समाधान अवश्य करूँगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।